हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे व्रत का हलवा। जैसा कि आपको पता है, नवरात्रे चल रहे हैं और व्रत तो अक्सर आते ही रहते हैं, और व्रत में हमारा कुछ मीठा खाने का मन होता है और समझ में नहीं आता है कि हम क्या खाएं, तो हम इसको बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और हलवा बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने पैन को रख दिया है। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1/4 कप घी। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। ये मैंने गाय का घी लिया है, इसलिए आपको बहुत पीला दिख रहा है। ये देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी कुट्टू का आटा। ये मैंने 3/4 कप कुट्टू का आटा लिया है। अब इसको हम इस तरह से लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, नहीं तो आटा जल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ये आटा थोड़ा सा काला दिखता है तो हमें लगता है ये भुन गया है, लेकिन इसको भुनने में टाइम लगता है। इस तरह से लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको भुनेंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा भुनने लगता है तो ये इस तरह से बाइंड होने लगता है। इसको हमें इस तरह से दबाते हुए भुनना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। ये देखिए कुट्टू का आटा अच्छे से भुन गया है। इसको भुनने में लगभग 5-6 मिनट का टाइम लगा है। जब ये भुन जाता है तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। ये मैंने 2.5 गुना पानी लिया है जितना हमने कुट्टू का आटा लिया था उसका। अब इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको दबाते हुए हम मिलाएंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे तो इसमें सारे लम्स हट जाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स होने लग गया है। अब गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये देखिए इस तरह से गाढ़ा होने लग गया है। जब ये इस फॉर्म में आ जाता है तब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप शुगर। शक्कर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको हमें अच्छे से गाढ़ा होने देना है इस तरह से। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, साथ में मिलाएंगे थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, और इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़ी सी किशमिश। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अभी और अच्छे से गाढ़ा होने देंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसने तला भी छोड़ दिया है और घी भी इसमें रिलीज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए हलवे को मैंने बॉल में निकाल लिया है। अब इसको हम काजू से गार्निश कर लेते हैं। जब भी आपका व्रत हो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, और आप चाहें तो इसको भोग के लिए भी बना सकते हैं। इसी के साथ व्रत का हलवा बनकर तैयार हुआ। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।